हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड में। मैं शुभांगनी आपके सामने फिर से लेकर आई हूं आज की 10 बड़ी हेडलाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर वन, शाहरुख खान की जवान का प्रमोशन भारत में भले ही थोड़ा स्लो हो, लेकिन विदेशों में ये फिल्म अभी से बम्पर कमाई की तैयारी में जुट गई है। जवान पहले दिन दुनिया भर से 125 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करते हुए दिखाई दे रही है। इसमें 75 करोड़ रुपए देसी टिकट खिड़की से आ सकते हैं और 50 करोड़ विदेशों से। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की जवान उन्हीं की फिल्म पठान को पीछे छोड़ने वाली है। नंबर टू, 24 अगस्त गुरुवार को 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें आर माधवन की रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। वहीं अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और फिल्म मिमी के लिए कृति सैनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इस फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। फिल्म ट्रिपल आर को टोटल 7 अवार्ड मिले हैं। वहीं द कश्मीर फाइल्स को 2 अवार्ड दिए गए हैं। नंबर थ्री, सलमान खान के बांग्लादेश के फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान 25 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म बांग्लादेश में रिलीज होने वाली जी स्टूडियो की पहली फिल्म है। सलमान खान की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। डील के तहत फिल्म किसी का भाई किसी की जान के बांग्लादेश में रिलीज होने के बदले बांग्लादेश की फिल्म कोसाई भारत में रिलीज होगी। नंबर फोर, आखिरकार आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने सिनेमाघर में दस्तक दे दी है। इस फिल्म में उनके साथ पहली बार अनन्या पांडे नजर आ रही हैं। ऐसे में बहुत से दर्शकों ने आयुष्मान खुराना की फिल्म को देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने एक बार फिर से उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की है। आयुष्मान खुराना के अलावा ड्रीम गर्ल 2 में परेश रावल, विजय राज, राजपाल यादव और अनु कपूर की भी जमकर तारीफ हो रही है। ड्रीम गर्ल 2 का डायरेक्शन आज शांडिले ने किया है। एकता कपूर और शोभा कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। नंबर फाइव, भारी हाय तौबा के बाद ओएमजी 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। सेंसर बोर्ड ने सेक्स एजुकेशन पर बने अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म को 27 बदलाव के बाद अडल्ट सर्टिफिकेट दिया। लेकिन अब एक खुशखबरी इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर आ रही है, जहां इसका अनकट वर्जन स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि मेकर्स ने ओटीटी पर ओएमजी 2 की रिलीज की तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन समझा जा रहा है कि सितंबर महीने के आखिर तक सिनेमा पर रिलीज हो सकती है। नंबर सिक्स, तमन्ना भाटिया बैक टू बैक अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को इम्प्रेस कर रही हैं। आज यानी 25 अगस्त को तमन्ना भाटिया की वेब सीरीज आखिरी सच स्ट्रीम हो गई है। इस सीरीज में एक्ट्रेस एक पुलिस अफसर के रोल में नजर आ रही हैं। साल 2018 दिल्ली का बुराड़ी इलाका और दिल दहला देने वाली 11 मौतों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तमन्ना भाटिया की यह सीरीज इसी घटना से प्रेरित है। इससे पहले भी इस घटना पर आधारित सीरीज और शो बनाए जा चुके हैं। ऐसे में रॉबी ग्रोवल के सामने उन शो से इस वेब सीरीज को अलग दिखाने की चुनौती है। नंबर सेवन, सलार पार्ट 1 सीज फायर में कितनी फायर है, इसकी एक मिसाल फिल्म की एडवांस टिकट सेल से मिल चुकी है। प्रभास स्टारर इस फिल्म ने जनता का ध्यान खींचा है। कुछ टाइम पहले आए रोमांचक टीजर के साथ ही लोगों का उत्साह अगले लेवल पर पहुंच गया है, जिसमें सलार की दुनिया में एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। अब ये फिल्म न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉर्ड बनाने की राह पर है, और जाहिर तौर पर इसने अपनी अगली रिलीज से पहले ही ग्लोबली अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। नंबर एट, सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। अब खबरें आ रही हैं कि अनिल शर्मा निर्देशित इस फिल्म की आज 25 अगस्त से 3 दिनों के लिए संसद के नए भवन में स्क्रीनिंग की जाएगी। बता दें कि आज, कल और परसों 11 बजे से स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान फिल्म की कास्ट में से नए संसद भवन में तीनों दिन तक कोई मौजूद नहीं रहेगा। नंबर नाइन, बड़े पर्दे पर जलवे बिखेरने के बाद करीना कपूर ओटीटी पर कदम रखने जा रही हैं। उनकी नई फिल्म का टाइटल जाने जा है, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इसका धमाकेदार टीजर और रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। ये 21 सितंबर को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। ये जापानी ऑथर बेस्ट सेलिंग थ्रिलर नॉवल डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स का ऑफिशियल अडेप्टेशन है। नंबर 10, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने में अब कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। इस बीच एक्टर मॉडल उर्वशी रौतेला ने
पेरिस में एफिल टावर के सामने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया है। उर्वशी ने इस अवसर की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि क्रिकेट विश्व कप 2023 ट्रॉफी का अनावरण लॉन्च करने वाली पहली अभिनेता, लेकिन फोटो के साथ इस कमेंट की वजह से उर्वशी को बधाई कम आलोचनाएं ज्यादा मिल रही हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।